नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टाटा नेक्सॉन के साथ में महिंद्रा की XUV 300 को कंपेयर करने वाले हैं और आप सभी को मालूम है कि दोनों ही गाड़ियों का सेगमेंट सेम है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि इस दोनों गाड़ियों में 1,39,000 रुपीज़ का प्राइस गैप है। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक सेक्शन के बाद में आपके जहन में अगर दोनों गाड़ियों के बारे में कोई डाउट्स है तो वो क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग भी बताऊंगा, जिसे जानकर आप अपने लिए सही फैसला कर पाएंगे कि अगर आपको टाटा की नेक्सॉन खरीदनी है तो वो क्यों खरीदनी चाहिए, और अगर आपने ऑलरेडी XUV 300 को अपने लिए चूज़ किया है तो उसे आपको क्यों खरीदना चाहिए। क्या आपको लगता है कि टाटा नेक्सॉन की जो बिल्ड क्वालिटी है, मजबूती है, वो XUV 300 से बेहतर हो सकती है? क्या आपको लगता है कि इन दोनों गाड़ी में 1,39,000 रुपीज़ का जो काफ़ी बड़ा प्राइस गैप है वो आपको मजबूर कर सकता है कि महिंद्रा की XUV 300 को भूलकर टाटा की नेक्सॉन को घर लेकर आ जाए? क्या आपको लगता है कि दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित हो सकती है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। और अगर आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं दोनों गाड़ियों को लेकर, तो हम जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों प्राइस रेंज और सेगमेंट के मामले में। तो सेगमेंट की जहां तक बात है, ये सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV का सेगमेंट है और इसमें आपको टाटा की नेक्सॉन, महिंद्रा की XUV, मारुति की ब्रेजा, फोर्ड की इको स्पोर्ट्स और ह्यूंडई की वेन्यू जैसी गाड़ियां देखने को मिल जाती हैं। प्राइस रेंज के मामले में दोस्तों ये सेगमेंट स्टार्ट होता है 6,70,000 रुपीज़ से लेकर 13 लाख रुपीज़ तक ये सेगमेंट चला जाता है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, लेंथ के मामले में दोनों ही गाड़ियां बराबर है, लेकिन बाकी सभी चीज़ों में XUV 300 टाटा की नेक्सॉन से विड्थ के मामले में 10 mm, हाइट के मामले में 21 mm और व्हील बेस के मामले में 102 mm ज़्यादा बड़ी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन ऑप्शंस के बारे में। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जहां नेक्सॉन में आपको ये 120 PS की पावर जनरेट करके देगा 5,500 RPM पर और 170 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करके देगा 1750 से लेकर 4,000 RPM पर। वहीं XUV 300 में 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आपको 110 PS की पावर देता है 5,000 RPM पर और 200 Nm का टॉर्क देगा 2,000 से लेकर 3,500 RPM पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डीजल के बारे में। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है, जहां नेक्सॉन में ये आपको 110 PS की पावर प्रोड्यूस करके देगा लगभग 4,000 RPM पर और 260 Nm का टॉर्क देता है 1,500 से लेकर 2,750 RPM पर। वहीं XUV 300 में आपको 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन 116 PS की पावर देगा 3,750 RPM पर और इस सेगमेंट का सबसे ज़्यादा 300 Nm का टॉर्क देगा 1,500 से लेकर 2,500 RPM पर। तो इस सेक्शन में यहाँ पर किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि दोनों ही इंजन्स के मामले में XUV 300 नेक्सॉन से ज़्यादा बेहतर साबित हो जाती है और बाजी मार ले जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों ही गाड़ियाँ कितनी बेहतर है दोस्तों, और एक नज़र हम डालेंगे दोनों ही गाड़ियों के कर्व वेट पर, जिसे जानकर हमें एक बेसिक सा अंदाज़ा हो जाएगी कि कौन सी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कितनी मजबूत है। तो जहाँ तक नेक्सॉन की बात है दोस्तों, नेक्सॉन का वज़न है 1,188 किलोग्राम से लेकर 1,250 किलोग्राम तक। वहीं महिंद्रा की XUV 300 का वज़न है 1,307 किलोग्राम से लेकर 1,404 किलोग्राम तक। तो यहाँ पर भी XUV 300 बाजी मार ले जाती है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि दोनों ही गाड़ियाँ NCAP क्रैश टेस्ट रेटिंग्स में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स लेकर आई है, लेकिन स्कोर के मामले में XUV 300 को थोड़ा ज़्यादा और बेहतर स्कोर मिल चुका है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और लगे हाथों दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में बात कर लेते हैं। तो जहां पर XUV 300 में आपको मात्र 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहीं नेक्सॉन में आपको 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। टर्निंग रेडियस की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो नेक्सॉन में आपको 5.1 मीटर का टर्निंग रेडियस मिलता है, वहीं XUV 300 में आपको 5.3 मीटर का टर्निंग रेडियस मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो जहां पर नेक्सॉन में आपको 44 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है, वहीं महिंद्रा की XUV 300 आपको मात्र 42 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर करती है।
हमेशा की तरह लगे हाथों दोनों ही गाड़ियों के माइलेज पर भी बात कर लेते हैं। तो जहां पर XUV 300 में आपको 17 kmpl से लेकर 20 kmpl तक का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है, वहीं टाटा की नेक्सॉन में आपको 17 kmpl से लेकर 22 kmpl तक कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। तो इस सेक्शन में नेक्सॉन स्लाइटली बेटर साबित होती है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के बूट स्पेस के मामले में। तो जहां पर नेक्सॉन में आपको 350 लीटर का स्पेशियस बूट स्पेस मिलता है, वहीं सेगमेंट का लोएस्ट XUV 300 में आपको मात्र 257 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दी अलॉयज या फिर व्हील्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो टॉप एंड वेरिएंट में नेक्सॉन आपको मात्र 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर करता है, वहीं XUV 300 में आपको एक लेवल ऊपर 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। तो अब तक आप समझ गए होंगे दोस्तों कि काफ़ी सारी चीज़ों में नेक्सॉन बेहतर निकल कर आती है, तो काफ़ी सारी चीज़ों में आपको XUV 300 भी बेहतर निकल कर साबित होती है। इसके अलावा अगर दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स पर एक नज़र डालना चाहेंगे तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर, और सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको क्या मिलता है। तो दोनों गाड़ियों में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे, LED DRLs मिल जाएंगे, फ्रंट फॉग लैम्प्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ऑटो हेडलैम्प्स आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर नेक्सॉन आपको 16 इंचेस ऑफर करेगी, XUV 300 17 इंचेस ऑफर करती है। दोनों ही गाड़ियाँ SUV होने की वजह से आपको रूफ रेल्स मिल जाता है, दोनों ही गाड़ियाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ ऑफर करती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड ऑटोफोल्ड ORVM विद टर्न इंडिकेटर का फीचर आपको मिल जाता है, फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स आपको देखने को मिल जाती हैं, ड्यूअल टोन रूफ कलर का ऑप्शन आपको दोनों गाड़ियाँ ऑफर कर देती हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल का फीचर आपको मिल जाता है, फ्रंट आर्मरेस्ट एंड रियर आर्मरेस्ट आपको दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिल जाता है। टॉप एंड वेरिएंट होने की वजह से दोनों ही गाड़ियों में आपको फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर मिल जाता है दोस्तों, रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, टिल्ट पावर स्टीयरिंग का फीचर भी आपको दोनों गाड़ियाँ ऑफर करती हैं, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब आपको देखने को मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको 7 इंचेस का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिलता है, साथ में सभी बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि AM/FM USB ऑक्सन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर आपको नेक्सॉन का म्यूजिक सिस्टम हरमन के द्वारा दिया जाता है, जिसकी म्यूजिक क्लैरिटी बहुत ही बेहतरीन है और इसमें बहुत ही ज़्यादा यानी कि टन्स ऑफ लोडेड विद फीचर्स ये म्यूजिक सिस्टम आपको मिलता है। दोनों गाड़ियों में आपको रियर व्यू पार्किंग कैमरा एंड रियर पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, रियर वाइपर एंड वॉशर मिल जाते हैं, दोनों ही गाड़ियों में आपको मिनिमम ड्यूअल एयरबैग्स मिल जाते हैं। हालांकि टॉप एंड वेरिएंट में भी नेक्सॉन मात्र ड्यूअल एयरबैग के साथ आती है, वहीं XUV 300 आपको 7 एयरबैग्स ऑफर करती है, ABS प्लस EBD आपको दोनों गाड़ियाँ ऑफर करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आपको मिल जाता है, रोल ओवर मिटिगेशन का फीचर आपको मिल जाता है और हिल होल्ड असिस्ट का फीचर भी आपको दोनों गाड़ियों में ऑफर किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं नेक्सॉन में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जो कि आपको महिंद्रा की XUV 300 में देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे पहला फीचर है दोस्तों शार्क फिन एंटीना विद GPS। उसके बाद में आपको नेक्सॉन में आगे के दोनों डोर्स में अम्ब्रेला होल्डर्स मिल जाएंगे, 15 लीटर का यूनिकली डिजाइन मल्टी यूटिलिटी कूल ग्लव बॉक्स मिलेगा अलॉन्ग विथ, उसमें आपको कप होल्डर्स मिल जाएंगे, वॉलेट होल्डर मिल जाएगा और क्रेडिट कार्ड या फिर विजिटिंग कार्ड होल्डर उसमें देखने को मिल जाता है। हरमन का म्यूजिक सिस्टम जो आता है नेक्सॉन में, उसकी म्यूजिक क्लैरिटी बहुत ही बेहतरीन है और उसमें बहुत ही ज़्यादा यानी कि कूट कूट कर फीचर्स भरे हुए हैं। कनेक्टेड कार फीचर्स आपको नेक्सॉन में देखने को मिल जाएंगे, मल्टी ड्राइव मोड्स आपको मिल जाते हैं, इको सिटी एंड स्पोर्ट्स, साथ में आपको रियर AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे। नेक्सॉन में आपको AC फास्ट कूलिंग के लिए एक्सप्रेस कूल का फीचर भी देखने को मिल जाता है, एक स्मार्ट वॉच की तरह आपको स्मार्ट वेरिएबल की भी नेक्सॉन में देखने को मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट नेक्सॉन ऑफर करती है, चार इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल का फीचर आपको ऑफर किया जाता है और ब्रेक डिस्क वाइपिंग जैसे फीचर्स भी आपको नेक्सॉन में मिल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं XUV 300 में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको नेक्सॉन में देखने को नहीं मिलेंगे। और सबसे पहला फीचर है दोस्तों XUV 300 के टॉप एंड वेरिएंट में आपको प्रीमियम लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाएगी, फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दोनों गाड़ियों में मिलता है लेकिन XUV 300 में आपको ड्यूअल क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है ड्यूअल जोन में, मल्टीपल स्टीयरिंग मोड आपको XUV 300 में मिलेंगे नॉर्मल कंफर्ट एंड स्पोर्ट जैसे, स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी थ्रू ब्लूसेंस ऐप आपको देखने को मिल जाता है, माइक्रो हाइब्रिड जिसे हम आइडियल स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर कहते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, टायर पोजीशन डिस्प्ले के साथ में आपको टायर ट्रॉनिक्स देखने को मिल जाते हैं, ऑटो डिमिंग IRVM आपको XUV 300 में मिल जाएगा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं दोस्तों, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल मिल जाएगा,
चारों के चारों डिस्क ब्रेक आपको मिल जाते हैं दोस्तों, और पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन का स्विच आपको देखने को मिल जाएगा, हीटेड वॉर वेन्स मिल जाएंगे, और सेफ्टी के मामले में आपको 7 एयरबैग्स इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के वारंटी ऑफर के बारे में। तो नेक्सॉन में जहां पर आपको 2 साल या फिर मात्र 75,000 किलोमीटर तक की वारंटी ऑफर की जाती है, वहीं महिंद्रा की एक्सयूवी में आपको 2 साल अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी ऑफर की जाती है, विच इज मच बेटर देन टाटा नेक्सॉन। अब थोड़ी मेंटेनेंस पर भी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो नेक्सॉन के मुकाबले में महिंद्रा एक्सयूवी 300 का मेंटेनेंस थोड़ा सस्ता आ जाता है, इनके सर्विस सेंटर की आफ्टर सेल सर्विस भी स्लाइटली बेटर है टाटा से, और ये टाटा के मुकाबले में बेहतर वारंटी ऑफर भी दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर बात कर लेते हैं, जो कि प्राइसिंग। लेकिन प्राइसिंग रिवील करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करूंगा दोस्तों, वो सभी के सभी प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट हैं, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई हैं। तो अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। और शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले पेट्रोल की प्राइसिंग से। तो नेक्सॉन का जो पेट्रोल टॉप वेरिएंट है, जिसका नाम है एग्जेड प्लस ऑप्शनल विद ड्यूल टोन रूफ, मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से है आपको 10,60,000 रुपये तक का मिल जाता है, और इसी में AMT वेरिएंट आपको 11,20,000 रुपये तक का मिल जाता है। वहीं एक्सयूवी का जो पेट्रोल W8 ऑप्शनल मैनुअल वेरिएंट है, एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये आपको मिलता है 11,84,000 रुपये तक का, जो कि नेक्सॉन से लगभग 1,24,000 रुपीज़ महंगा आता है, और एक्सयूवी 300 पेट्रोल में आपको कोई भी AMT का ऑप्शन नहीं देती है। अब बात करते हैं दोस्तों डीजल प्राइसिंग के बारे में। तो नेक्सॉन का जो डीजल टॉप वेरिएंट है, जिसका नाम है एक्सजेड प्लस ऑप्शनल विद ड्यूल टोन रूफ, मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये आपको 12,10,000 रुपये का मिलेगा, और AMT में यही वेरिएंट आपको 12,70,000 रुपये का मिल जाता है। वहीं XUV 300 का जो W8 ऑप्शनल वेरिएंट है मैनुअल में, डीजल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 12,14,000 रुपये तक का, और AMT में आपको ये वेरिएंट आपको मिलेगा 12,69,000 यानी कि 12,69,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर आपको लगेगा दोस्तों कि डीजल का मामले में XUV 300 नेक्सॉन से लगभग 1,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये सस्ती आती है, लेकिन अगर आपने गौर किया होगा तो मैंने नेक्सॉन की जो प्राइस बताई है, उस प्राइस में नेक्सॉन का ड्यूअल टोन कलर रूफ ऑप्शन आपको इंक्लूडेड है, जो कि XUV 300 में इसके लिए आपको 15,000 रुपये अलग से एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। उस हिसाब से XUV 300 पेट्रोल मैनुअल में 1,24,000 रुपीज़ महंगी है, प्लस ये 15,000 अगर हम उसमें जोड़ते हैं तो 1,39,000 रुपीज़ महंगी हो जाती है, और डीजल में ये 14,000 रुपये से लेकर 19,000 रुपये टाटा नेक्सॉन से महंगी हो जाती है। अब एक नज़र डालते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के कंपटीशन पर। तो इस सेगमेंट में आपको महिंद्रा की XUV 300, टाटा की नेक्सॉन, हुंडई की वेन्यू, मारुति की ब्रेजा और फोर्ड की इक्को स्पोर्ट जैसी गाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं, और कुछ हद तक हुंडई की क्रेटा और किया की सेल्टॉस भी इस सेगमेंट में इन गाड़ियों को कॉम्पिटिशन देती हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और एक नज़र डालते हैं दोनों ही गाड़ियों के ड्रॉबैक्स पर। जहां पर हमने प्राइसिंग और फीचर्स और अच्छाइयों पर बात कर ली है, तो ड्रॉबैक पर भी एक नज़र डालना बनता है, और शुरुआत करेंगे नेक्सॉन से। तो नेक्सॉन में आपको इंटीरियर क्वालिटी, फिट एंड फिनिश कुड हैव बीन लिटिल बेटर दोस्तों, लैक ऑफ पावर इन पेट्रोल ड्यूरिंग द लो स्पीड देखने को मिल जाएगा, म्यूजिक सिस्टम जो है उसका डिज़ाइन, उसकी क्वालिटी थोड़ी और ज़्यादा बड़ी और बेहतर हो सकती थी। XUV 300 की जहां तक बात है, आपको इसमें टॉप एंड वेरिएंट काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, और मुझे लगता है ये ओवर प्राइस्ड है। इस गाड़ी में भी आपको इंटीरियर और फिट एंड फिनिश की क्वालिटी थोड़ी और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। XUV 300 में सेगमेंट का लोएस्ट बूट स्पेस आपको मिलता है, और इसमें यू विल फाइंड एवरेज केबिन स्पेस एंड एनविच लेवल्स अ लिटिल मोर देन कंपेयर टू राइवल्स। अब पहुंचते हैं वीडियो के आखिरी पड़ाव में दोस्तों और ओवरऑल कंक्लूजन पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर एक बराबरी का और बेहद ही कड़ा मुकाबला हुआ है, जिसकी वजह से दोनों में से किसी भी एक गाड़ी को क्लियर विनर कह पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दोनों ही गाड़ियां हमें बेहतर इन बिल्ड क्वालिटी के साथ में आती हैं, बेटर सेफ्टी फीचर्स ऑफर करती हैं, बेटर इंजन परफॉर्मेंस एंड पावर आउटपुट के साथ में आती हैं, लेकिन अपनी बेहतरीन राइड क्वालिटी के दम पर 7 एयरबैग्स, NCAP क्रैश टेस्ट का बेहतरीन स्कोर, चारों के चारों डिस्क ब्रेक और 2 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी के दम पर मुझे ऐसे लगता है कि महिंद्रा की XUV 300 यहाँ पर स्लाइटली बेटर होने की वजह से विनर साबित होती है। मेरी राय अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अपने लिए मैं महिंद्रा की XUV 300 डीजल में लेना चाहूँगा, वो भी मैनुअल में। अगर आप अपने लिए पेट्रोल कार लेना चाहते हैं तो आपको मैं डेफिनेटली टाटा की नेक्सॉन रेकमेंड करूँगा, क्योंकि इन दोनों गाड़ियों में पेट्रोल मैनुअल में 1,39,000 रुपीज़ का प्राइस गैप है। वहीं अगर आप डीजल कार अपने लिए देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली महिंद्रा की XUV 300 पर जा सकते हैं दोस्तों।
अब ये आपको तय करना है कि अपनी ज़रूरत और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी चीज़ों को आप प्रायोरिटी देते हैं, तवज्जो देते हैं, और दोनों में से कौन सी गाड़ी अपने लिए घर लेकर आते हैं। आपको क्या लगता है कि आज की इस घमासान में दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी जीती है और अपने लिए आप कौन सी गाड़ी घर लाते हैं? आपकी इस राय को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक आप और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।